是一副。हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे वन साहब देख रहे हैं मास्टर माइंड। दोस्तों जैसे कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखा थे बेस के बारे में, दोस्तों चार बेस के बारे में हम लोग बताए थे। इस वीडियो में आपको दोस्तों दिखाने वाले हैं चार टॉप के बारे में। इसके बारे में दोस्तों जैसे हम लोग बेस के बारे में स्पीकर अलग अलग वैरायटी अलग अलग कंपनी दिखाते हैं, इसमें भी दोस्तों दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, डीजे प्लस का तरफ से आपको टॉप में फिटिंग करवाना चाहते हैं, ऑडियो का तरफ से करवाना चाहते हैं 400 वाट, और ऑडियो टोन के भी करवाना तो ऑडियो टोन भी मिल जाएगा, और साथ में आपको JBL का भी आप देख सकते हैं, JBL का भी स्पीकर मिल जाएगा, और ATI प्रो भी हो गया, स्वीटन हो गया, NX ऑडियो हो गया, और यहाँ पर ऑडियो टोन होगा। सबके बारे में जानेंगे दोस्तों, क्या रेट होगा, कितना में स्टार्टिंग होगा, और अगर आप पेयर में फिटिंग करवाना चाहते तो 25 से 26 हज़ार रुपये में एक स्पीकर इसमें फिटिंग करवा सकते हो, और अलग अलग कंपनी का वैरायटी है। और साथ में दोस्तों एम्पलीफायर की बात को, आपको पंकज के तरफ से एम्पलीफायर दोस्तों मिलने वाला है, एक अलग ब्रांड हम लोग लेकर आए, नया कंपनी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डबल 15 के बारे में। सही सुना आपने, बहुत सारे सेटअप्स में आपने देखा होगा ऐसे करके कि आपको ड्यूल 15 देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए आज का जो सेटअप है इसमें हम चार डबल 15 का फुल फिटिंग बताने वाले, कौन सा स्पीकर मिलेगा और कौन सा एम्पलीफायर मिलने वाला ये भी बताएगा। दोस्तों मैं कुछ वैरायटीज लाया हूँ स्पीकर्स की, जिसको देख के आपको डीजे सेटअप परचेस करने में इजी होगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई कोई अलग अलग कंपनी का ब्रांड का स्पीकर खोजते, तो मैंने कोशिश किया कि 4-6 कंपनी को एक साथ दिखाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट आपको देखने को मिलता है JBL का SRX 725। सही सुना आपने, JBL मॉडल का SRX 725। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहो तो कोई भी कैबिनेट ले सकते हो, स्टूडियो मास्टर का, पॉप का, या फिर कोई भी स्क्वायर में भी कैबिनेट हमारे अवेलेबल रहता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको JBL का ब्रांडिंग देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर ब्रांडिंग यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको गौर करोगे, 19 mm का वाटरप्रूफ प्लाई हम देते हैं दोस्तों। सही सुना, 19 mm का वाटरप्रूफ प्लाई जो कि मलेशियन बोर्ड में आता है। सही सुना, यहाँ पे आपको डबल 15 देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे बीटिंग्स आपको देखने को मिल रही होंगी, 2 बीटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जाली इसका जो है 16 गज का जाली है, बहुत ही शानदार और भारी जाली इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 पीस डबल 15 JBL मॉडल के आपके देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें स्पीकर आप कौन सा फिटिंग करवा सकते हो, तो सबसे पहले मैं कुछ ब्रांड्स का आपको दिखाता हूँ स्पीकर, जो मैंने खुद पर्सनली चूज करके रखे। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको डीजे प्लस का 400 वाट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार स्पीकर है दोस्तों। सबकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो कि POD का 400 वाट देखने को मिलता है, जो कि एक फेमस मॉडल है, 15BM 400 वर्जन 3। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ऑडियो टोन का 500 वाट लाया है, इसके भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 500 वाट को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखोगे एक JBL का आपको एक फेमस मॉडल है दोस्तों, 15WP550, 550 वाट, ये बहुत ही फेमस मॉडल है दोस्तों JBL का। आप लाइव प्रोग्राम हो गया या रोड डीजे हो गया, दोनों में से यूज़ कर सकते हो बढ़िया से। थोड़ा सा आगे देखोगे यहाँ पे आपको ATI प्रो का एक मॉडल देखने को मिलता है, YX 15X 635 मॉडल, ये है आपका 600 वाट का स्पीकर दोस्तों, जिसका सारा ब्रांड मिलता है। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें आपको 600 वाट, 650 वाट, 400 वाट, 500 वाट आने वाले वीडियोस में, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस में यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो कि ATI प्रो का जो ये है आपको 600 वाट का दिख रहा है, 8 ओम का स्पीकर है, मैक्सिमम पावर 1200, उसकी डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे एक फेमस मॉडल मैं दिखाना चाहूँगा, स्वीटन के साइड से आता है दोस्तों, 8 ओम पे 400 AES। इसके कुछ और डिटेल मॉडल्स के बारे में मैं कुछ वीडियोस आने वाली है मेरी, जिसमें मैं इसके और कुछ मॉडल्स के बारे में बात करूंगा, स्वीटन के जो 500 वाट, 600 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, बाकी के। यहाँ पे देखोगे आपको NX ऑडियो का मैं एक मॉडल दिखा रहा हूँ अभी कुछ दिनों में, ये एक बहुत ही अच्छा और दमदार स्पीकर है दोस्तों, इंदिरा 158, जो कि 800 वाट का स्पीकर है, बहुत ही शानदार स्पीकर। इसका रिस्पॉन्स मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, अब 415 में बहुत ही अच्छे यूज़ होता है। यहाँ पे एक एनी ऑडियो का स्पीकर है दोस्तों, 400 वाट का, ये एक बजट स्पीकर है, अगर आप इसको फिट करवाओगे तो आपको 25,000 रुपये के पेयर में आपको डबल 15 फिटिंग करके मिल जाएगा, पूरा फिटिंग है सर। हाँ, ये वाला स्पीकर एक बजट स्पीकर है, बजट फ्रेंडली। एक ऑडियो टोन का और मॉडल मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक 400 वाट का ऑडियो टोन का आता है दोस्तों, पावर मैक्सिमम इसका 800 वाट है, ये भी थोड़ा सा बजट फ्रेंडली स्पीकर है, 35,000 से 36,000 तक के बीच में पेयर पड़ता है दोस्तों। इसके लिए बजाने के लिए कौन सा बेस्ट होगा? अब दोस्तों एम्पलीफायर की बात की जाए तो यहाँ पे मैं एम्पलीफायर दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा नया ब्रांड लेके आया हूँ, लेकिन इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है,
यहाँ पे पंकज का आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेंजर ही का ब्रांड समझ, स्ट्रेंजर के ही कॉम्पिटिटर एक हिसाब से आप मानोगे, कलकत्ता का ही है ये। पंकज करके PB3K करके ये मशीन है जिसमें आपका 4x15 चलेगा दोस्तों, 400 वाट से 500 वाट तक, और 600 वाट के लिए इसका 4K मशीन आता है, वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ डिटेल। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे इसके ट्रांसफार्मर की 1 साल की वारंटी देती है कंपनी, मतलब आप समझो कि ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है दोस्तों, कोई भी लोकल ब्रांड नहीं, एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है क्वालिटी अपने कंपनी में। यहाँ पे आप देखोगे थोड़े से स्ट्रेंजर टाइप की लुक दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम के नॉब्स दिख रहे होंगे, चैनल ए चैनल बी। मेन चीज़ इसमें अच्छा है कि यहाँ पे आपको क्लिप सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ये रेड कलर का क्लिप कलर का बटन है, ये ऑन ऑफ है। यहाँ पे पीछे देखोगे तो आपको पीछे यहाँ पे 2 फैंस देखने को मिलते हैं। क्लास AB का मशीन है दोस्तों, क्लास H का नहीं, क्लास AB का है दोस्तों, तो इसमें आपको सर्विसिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो आप 15x में डालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग अलग उनको वैरायटी चाहिए होता है, तो मैं एक बेसिक दिखाता हूँ। यहाँ पे 450 का ट्यूटर है जो कि ATI प्रो के साइड से है, ये प्योर कॉपर ट्यूटर आता है दोस्तों, ट्यूटर नेटवर्क जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपको ट्यूटर में यूज़ किया जाता है। आप चाहो तो पूरा फिटिंग वाला स्पीकर वाला भी यूज़ कर सकते हो जो हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा। ये है दोस्तों योगी प्रो के साइड से, आप चाहो तो ATI प्रो या ऑडियो ट्यून का भी ले सकते हो, Q1 का भी हम रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक 450 का एक HF ट्यूटर जो कि आपको देखने को मिलता है, ये बेसिक है 60 वाट का, आप चाहो तो इसमें 80 वाट और 120 वाट और 240 वाट वाला भी ले सकते हो, हमारे पास सब अवेलेबल रहता है दोस्तों। अब चलिए थोड़ा सा अब हम स्पीकर की एक डिटेलिंग के बारे में आपको मैं समझाता हूँ कि कैसा वो होना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का स्पीकर में क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए। तो जैसे कि आपको अगर लाइव प्रोग्राम करना है या रोड DJ भी करना है और आपको थोड़ा सा रेंज चाहिए अपने सेटअप में, तो ये वाला DJ प्लस का आप ले सकते हो। इसका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ही अच्छा है, 3.0 kHz तक का फ्रीक्वेंसी टच करता है दोस्तों, मतलब समझो कि आपको क्लियरिटी एकदम जी तोड़ के मिलेगी। यहाँ पे आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मलेशियन पेपर सब वूफर के साथ मिलता है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे 3 इंच का वॉइस कॉल दिया हुआ है 3 इंच का, तो इसका 3 इंच का वॉइस कॉल मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़िया। यहाँ पे देखोगे आपको स्पाइडर देखने को मिलता है, यहाँ पे डबल स्पाइडर आपको देख रहा होगा, प्लस यहाँ पे देखोगे मैग्नेट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दी गई है। और मेन चीज़ है दोस्तों ये इंडियन ब्रांड है, और इंडियन ब्रांड होने के बावजूद इसने अपनी क्वालिटी बहुत अच्छे तरह से मेंटेन की है इस ब्रांड ने, और आपको बहुत सारे लोगों जो इस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं उन लोग का अच्छा रिस्पॉन्स हमारे यहाँ आया है। दूसरी बात POD बहुत ही पुराना ब्रांड है दोस्तों, इंडिया में चल रहा है बहुत ही पहले से, और इसकी क्वालिटी एक अलग लेवल की है। अगर आप इससे यूज़ करते हो और जो यूज़ कर रहे हैं अभी तक, हम मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इतनी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अभी बहुत सारे लेटेस्ट स्पीकर आ चुके हैं जो इसके टक्कर के हैं, तो एक POD पुराना ब्रांड समझ के आप इसे यूज़ करो, बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसमें भी मिलता है दोस्तों। थाईलैंड से डायरेक्ट इम्पोर्ट होता है, इसका पेपर देखोगे पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है मटेरियल, और इसमें वॉइस कॉल आपको देखोगे 3 इंच का वॉइस कॉल। इसके नए वाले मॉडल में स्पाइडर में थोड़े से चेंजेस है, ये आपका सिंगल स्पाइडर है लेकिन क्वालिटी बढ़िया है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे एक इम्पोर्टेड ब्रांड और मैं लाया हूँ, यहाँ पे आपको ऑडियो टोन का 15x में इसलिए दिखाने का मेरा मेन मकसद है क्योंकि इसमें आपको पंचिंग और मिड बेस बहुत ही अच्छा मिलता है इसका 500 वाट में। इसका मॉडल नंबर है AD15X510ES1, ये प्रीमियम एक्सक्लूसिव सीरीज़ है ऑडियो टोन का, और ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इसको मैंने खुद पर्सनली चेक किया है अपने शॉप पर, और इसका रिस्पांस एक पंच वाले मिड बेस स्पीकर में बहुत ही अच्छा है। 3.5 इंच का वॉइस कॉल लगता है दोस्तों, 3.5 इंच मतलब आप सोचो कि रेंज भी है और बेस भी है, मतलब मिड रेंज जिसको बोलते हैं वो है। तो चेसिस की बात की जाए तो चेसिस बहुत ही सुंदर है, प्योर एल्युमिनियम चेसिस है, मैग्नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा आप 600 वाट के रेंज में जाओगे तो आपको यहाँ पर JBL का स्पीकर देखने को मिल रहा है। JBL का स्पीकर में खास बात है ये डायरेक्ट आपका ब्राज़ीलियन इम्पोर्ट JBL है दोस्तों, ये ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया जाता है। इसमें 4 इंच का वॉइस कॉल, और इसकी जो साउंड क्वालिटी में बताओ एकदम इतनी मीठी मिड बेस निकलती है दोस्तों कि आपको फटने का भी कभी शिकायत साउंड में नहीं आया, और क्वालिटी एक नंबर है। यहाँ पे देखोगे ब्लैक स्पाइडर आपको देखने को मिलता है, ये कंपनी ने कुछ अलग किया है, यूनिक टाइप का ब्लैक स्पाइडर दिया है। यहाँ पे आपको देखोगे तो इसकी चेसिस भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की दी गई है, मैग्नेट भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया है दोस्तों। तो JBL एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है दोस्तों, और ये अपने क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। ऐसे ही एक और ब्रांड है दोस्तों ATI प्रो, जो कि अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसके स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं, और
यहाँ पे आप देखोगे इसका 600 वाट या 1200 वाट, जैसे आपको 415 हो गया या फिर हार्ड रूट डीजे हो गया या फिर आपको फुल वाइब्रेशन और पंच चाहिए तो वो इस कंपनी के स्पीकर्स यूज़ कर सकते हो आपको, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखोगे 4.5 इंच का वॉइस कॉल सेम दिया हुआ है बाकी स्पीकर्स की तरह, मलेशियन कॉइल मलेशियन पेपर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे 3 सबवूफर वाले ये दिख रहे होंगे आपको, कोन एंड्स दिख रहे होंगे। प्लस यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सिलिकॉन स्पाइडर देने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कंपनी ने सिलिकॉन स्पाइडर दिया है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट स्पाइडर होता है साउंड लाइन के स्पीकर के क्वालिटी में, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया दोस्तों इसमें भी क्वालिटी का। अगर आपको एकदम हैवी कंपटीशन लेवल का सेटअप लेना तो आप ये वाला स्पीकर जरूर प्रेफर कर सकते हो। ATI के बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, ATI के बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास आते हैं दोस्तों, तो आपको मैं दिखाते रहूँगा। आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे ATI प्रो के स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पर स्वेटन का एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है दोस्तों, स्वेटन बाहर से इम्पोर्ट करके पार्ट्स को लाते हैं और कोलकाता में असेंबल करते हैं, और इसका क्वालिटी एक अच्छा क्वालिटी है दोस्तों। अगर आप लेना चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं स्वेटन का, मैंने भी बहुत सारा माल बेचा और अभी तक क्वालिटी में मुझे शिकायत नहीं लगा है इसका। थोड़ा सा अलग से मैं पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ इसका स्वेटन का सीरीज़ पे, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बहुत सारे बताऊँगा जिसमें आपको इसके एक एक डिटेल के बारे में पता चलेगा। वैसे इसमें इस वाले मॉडल 400 वाट में 3 इंच का वॉइस कॉल दिया गया है, ग्लास फाइबर पेपर दिया हुआ है सब वूफर वाला, आप जैसा कि देख पा रहे हो। स्पाइडर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्लेन नॉर्मल सिंगल स्पाइडर दिया गया है, और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम वाले वो दिए गए हैं जिसमें क्लिप सिस्टम जिसमें तार लगती है। यहाँ पे देखोगे एक NX Audio, एक और इम्पोर्टेड ब्रांड है दोस्तों NX Audio, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने MT-1601 और MT-1201 एम्पलीफायर के वजह से। इसी के एक स्पीकर है जो कि इंद्रा 158 मॉडल दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करोगे इसमें आपको देखने को मिलता है 800 वाट का RMS। सही सुना आपने, 800 वाट का RMS यहाँ देखोगे, 1600 वाट का प्रोग्राम पावर दोस्तों, 415 हो गया, या फिर 4 पीस आपको डबल 15 ही यूज़ करना और आप बाद में बेस नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप बेस बाद में नहीं खरीदते हो सिर्फ टॉप के यूज़ करना चाहते हो टॉप को ही, तो आपको ये बेस और रेंज इतना अच्छा प्रोवाइड करेगा कि आपको मतलब वाइब्रेशन का कमी नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट में जैसा कि दिखाया है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का पेपर आप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे NX Audio का ब्रांड लोगो दिया हुआ है और 4 इंच का वॉइस कॉल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एनी ऑडियो ब्रांड जो कि इंडियन मेड ब्रांड है दोस्तों, बजट फ्रेंडली ब्रांड है, 400 वाट का बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद इसे यूज़ किया है। आप इसका पेपर क्वालिटी देखोगे बहुत ही अच्छा पेपर क्वालिटी है दोस्तों, मात्र 25 से 26 हज़ार रुपये में आपको फिटिंग करके डबल 15 में ये देखने को मिलता है पेयर। और दोस्तों इसका साउंड आप शॉप पे आके सुन सकते हो, मैं आपको सुना दूंगा। एक और है ऑडियो टोन, यहाँ पे ऑडियो टोन का एक आपको बजट फ्रेंडली मॉडल देखने को मिलता है AD-15X-400M, जो ये मॉडल रिसेंटली 1-2 साल हुआ है लॉन्च किए हुए कंपनी को, जो कि अच्छा क्वालिटी का स्पीकर है दोस्तों, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। ये फुल रेंज स्पीकर है जो कि 3 इंच वॉइस कॉल में आता है। प्राइस दोस्तों, इसका प्राइस की बात की जाए तो इस सेटअप में जैसे कि आपको मैंने बताया कि 4 पीस डबल 15 और 1 पीस आपको देखने को मिलने वाला है 3000 वॉट का मशीन, तो दोस्तों स्टार्टिंग से अगर किया जाए तो आप नॉर्मली देखोगे तो आपको 1 लाख रुपये तक का बजट में ये कम्प्लीट हो जाता है मशीन के साथ। लेकिन अगर आप जितना हैवी से हैवी क्वालिटी का स्पीकर डलवाना चाहोगे, जैसे कि 500 वॉट, 550 वॉट, 800 वॉट, तो मैक्सिमम आपको टच करेगा 1,30,000, उसके बीच में आप 400 वाट का कोई हैवी क्वालिटी या फिर 500 वाट का, तो 1,00,000 से 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000, 1,25,000 तक के बजट में आता है। कंपनी पर डिपेंड करता है ना, कंपनी बाई कंपनी डिपेंड करेगा, जो कि मैं आपको काउंटर पे बैठ के आपका जितना रेट नेगोशिएट होगा वो मैं अपने साइड से कर दूंगा। एड्रेस एक बार दे दीजिए। एड्रेस की बात की जाए तो दोस्तों हमारे शॉप का नाम है बालाजी साउंड एंड सर्विस, जो कि रांची झारखंड में पड़ता है। अगर आप रांची आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे कंफर्म कर सकते हो हमारा एड्रेस, और मैं लोकेशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ज़रूर भूलना।